चलते जो कि उचाना से सामने आ रही है, करसिंधु गांव में दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ है और इसी के साथ डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए किसान यहां खड़े हैं। बड़ी और अहम खबर, तो यहां नेताओं के विरोध की तस्वीरें अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही हैं। किसान के विरोध को देखते हुए भी कई कार्यक्रम है जिनको देखते हुए प्रशासन अपना मुस्तैदी जाहिर कर रहा है। करसिंधु गांव में दुष्यंत चौटाला का विरोध और डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए यहां किसान खड़े हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि किसान के विरोध को देखते हुए कार्यक्रम यहां रद्द किया गया है। किसानों के विरोध को देखते हुए यहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो कार्यक्रम वो रद्द किया गया है। करसिंधु गांव में दुष्यंत चौटाला के विरोध के लिए, उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए यहां किसान खड़े हुए हैं और इसी बीच यहां जो कार्यक्रम होना था उसे भी रद्द कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, किसान यहां पर नजर आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। तो यहां जो किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, न सिर्फ वो ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं बल्कि गांव देहात के जो युवा किसान हैं वो भी इनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में यहां आने वाले तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों, तमाम सांसदों का भी विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें उचाना से सामने आई है, करसिंधु गांव से तस्वीरें सामने आई है जहां दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम होना है और यहां जो किसान हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी विरोध को देखते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए किसान खड़े हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप हरियाणा न्यूज पर लाइव देख रहे हैं। तो किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बॉर्डर्स पर किसानों का आक्रोश देखने को मिल रहा था लेकिन अब गांव देहात में भी किसानों का जो आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अनूप, यहां किसान जो है वो अपना आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो कार्यक्रम होना था ये किस मार्फत होना था, किस उद्देश्य से होना था? देखिए, आज जिस प्रकार से किसान संगठनों ने आह्वान किया था कि वो राज्य मंत्री अनूप धाना के आवास पर घेराव करेंगे, उन्होंने पहले अनाज मंडी के अंदर कार्यक्रम रखा, वहां से पूरा ट्रैक्टर ट्रालियों का जत्था निकालते हुए अनूप धाना के निवास स्थान पर पहुंचे और वहां पर पहले उन्होंने जमकर नारेबाजी की, संबोधन किया। उसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन से बैरिकेड हटाते हुए पूरे मकान का जो है घेराव किया, जिस प्रकार से किसानों की रणनीति थी। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, डीएसपी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे, लेकिन किसानों के सामने प्रशासन कहीं कहीं बोना होता हुआ नजर आया और किसानों ने जिस प्रकार से उनका कार्यक्रम था उसको एक सफलता की ओर ले जाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। जी, यहाँ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का क्या कार्यक्रम होना था और कौन सा वो कार्यक्रम था जो कि रद्द किया गया है? जी बिल्कुल, पहले सूचना मिल पाई थी कि क्यों उकलाना के अंदर नगर पालिका का चुनाव है और वहाँ पर गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, तो हो सकता है कि उनके प्रचार के लिए दुष्यंत चौटाला पहुंचे, लेकिन जिस प्रकार से किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर दुष्यंत चौटाला उकलाना पहुंचे तो उनका घेराव किया जाएगा, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, तो उनका कार्यक्रम रद्द हो चुका है। उसके बावजूद किसानों ने अपनी रणनीति बदलते हुए राज्य मंत्री जो उकलाना में ही रह रहे हैं, उनका निवास स्थान उकलाना में है, तो उनका घेराव किया और वहां पर जाकर के काले झंडे दिखाए। जी अनूप, ये माने कि हिसार जिले के गांव देहात के जो तमाम किसान हैं उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि जो किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं सिर्फ वही आंदोलन कर रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये विरोध गांव देहात हर चौपाल में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ दिल्ली के अंदर टिकरी बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वही किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ी संख्या है किसानों की वहां पर, लेकिन उसके अलावा जो किसान संगठनों का जो भी एक ऊपर से संदेश आता है उसको अमली जमा बनाया जाता है, चाहे वो टोल फ्री की बात हो, चाहे धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे नेताओं के घेराव की बात हो, तो किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या जो कि स्थानीय इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, उकलाना, बरवाड़ा, हिसार, टोहाना, जहां भी देखें, तो जिस प्रकार से किसान नेता वहां से कोई भी संदेश इनके लिए भेजते हैं तो उसको यहां पर पारित किया जाता है। और घेराव का जो मामला था उसमें आज राज्य मंत्री के अनूप धाना के उकलाना में निवास स्थान का घेराव किया गया। जी बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी करसिंधु गांव से आपको दिखा रहे हैं जहां दुष्यंत चौटाला का किसान विरोध करते हुए नजर आए और इसी बीच यहां जो कार्यक्रम होना था वो कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है।